लिव इन रिलेशनशिप्स की बात होती है तो अक्सर लोगों के मिक्स रिएक्शंस आते हैं। कोई इसे कानूनी तो कोई इसे गैर कानूनी बताता है। बीते कुछ सालों में लिव इन रिलेशनशिप के कई ऐसे मामले सामने आए जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप्स की लीगैलिटी के बारे में और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है ये भी आपको बताएंगे। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या है? जब दो कपल बिना शादी के एक छत के नीचे रहते हैं तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो दोनों के बीच हर बात के लिए सहमति बन जाती है और बिना शादी किए एक ही घर में रहते हैं। जब से भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लीगल किया गया है तब से इसके साथ आने वाले कानून और जिम्मेदारियों को भी जानना जरूरी हो गया है। भारत ने वर्तमान पीढ़ी के अपने रिश्तों को समझने के तरीके में भारी बदलाव देखा है। समाज धीरे धीरे लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी कर रहा है। अगर बात भारत को छोड़कर वेस्टर्न देशों की करें तो वहाँ लिव इन रिलेशनशिप की अलग ही एक्सेप्टेंस है। हालांकि ये भारत में समान नहीं है। भारत में शादी को संस्कार और सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता है। फिलहाल हम इसकी लीगैलिटीज को समझते हैं। अगर हम मेंटेनेंस पर्सनल लॉ की बात करें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 धारा 125 भी पत्नी को भरण पोषण से बचाती है अगर वो खुद भरण पोषण नहीं कर सकती है तो। साथ ही घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 धारा 20(1)(d) के तहत रखरखाव के अलावा अत्यधिक रखरखाव की मांग करने वाली महिलाओं के लिए भी प्रावधान है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पत्नी को डोमेस्टिक वायलेंस से सुरक्षा, गुजारा भत्ता और संरक्षण देता है। भारत में औरत को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान है लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी धर्म लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकार्य मान्यता नहीं देता। भारत की न्यायिक व्यवस्था इसके समाधान पर काम कर रही है और इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सेक्शन 125 को और गहराई से समझाया है और बताया है कि अधिनियम शादी में और शादी से बाहर महिला साथी को भरण पोषण का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारत में महिलाओं को अपमानजनक मानसिक, मौखिक, आर्थिक और शारीरिक शादी संबंधों से बचाने के लिए लागू किया गया था। लिव इन रिलेशनशिप में महिला साथी को बचाना अधिनियम की धारा 2F न केवल विवाहित महिलाओं बल्कि शादी की प्रकृति के रिश्ते में रहने वाली महिलाओं के लिए भी सुरक्षा के लिए लागू है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को मंजूरी दी थी। लिव इन रिलेशनशिप में लंबे समय तक रहने पर बच्चे पैदा हो सकते हैं लेकिन कपल किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे की कस्टडी को लेकर कोई विवाद पैदा होता है तो पार्टनर चाइल्ड कस्टडी वकील से सलाह ले सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 16 बच्चों के विरासत अधिकार के बारे में बात करता है। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को भी विरासत का अधिकार दिया जाता है। अगर लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों की बात करें तो ये उन पर भी लागू होते हैं। बच्चे की कस्टडी और मेंटेनेंस की बात करें तो ये धर्म के हिसाब से दो अलग बातें हैं। जैसे कि मुस्लिम धर्म के तहत एक पिता शादी से पैदा हुए बच्चे के भरण पोषण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है जबकि हिंदू कानून में पिता को ऐसे बच्चे का भरण पोषण करना होता है। अब इसका परिणाम क्या निकला? हर तरह से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप समय के साथ विकसित हुई है, उसमें बदलाव देखने को मिले हैं और सर्वोच्च न्यायालय और शीर्ष अदालतों के अलग निर्णय इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।